गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पुनरावृत्ति पर काम करने जा रहे हैं। ध्यान दो बाबू, देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जैसे पहले बात पर ध्यान दो, छोटी छोटी बात पर ध्यान दोगे समझ में आएगा आपको बड़ी बड़ी बातें। जैसे आप यहाँ पर आपको एक दो बहुत छोटी बात हम बात कर रहे हैं, एक दो दिया गया है और आपको यहाँ से मतलब दो आपको डी दिया हुआ है, वन और टू। इसको कहा गया कि आप दो अंक वाले संख्या बनाइए, कै गो बनेगा, है ना। तो आप पे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस पर, रिपीटेशन अलाउड है, पुनरावृत्ति। आप डाल दिए हेडिंग वाला कि पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड, पुनरावृत्ति है, लिखी जाए दोनों आदमी दोनों तरफ से। अब हम लोग यहाँ समझेंगे पुनरावृत्ति में, आपको हमने सिखाया था कि यहाँ भी वन या टू लिख सकते हैं और यहाँ भी वन या टू लिख सकते हैं, है ना, बोलो। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, तो ये भी दो तरह से और ये भी दो तरह से, तो इस तरह से नंबर ऑफ, है ना, नंबर्स डाल दे रहे हैं, टू डिजिट्स बोलो कितना होगा, फोर। टू मल्टीप्लाई टू बराबर क्या लिखोगे, और बात पर ध्यान देना हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि छोटी बात से बड़ी बात निकलने वाली है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि दो गुने दो चार हुआ, चलिए पहले हम छोटी बात था इसलिए समझने आपको परेशानी नहीं होगी, आसान लगेगा, है ना। पहले इसका बना कर देखो क्या क्या बन सकता है, बोलो। 12 बन जाएगा, 21 बन जाएगा, 11, 22 पुनरावृत्ति है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि चार गो आपका संख्या एगो 12, 21 और 11 और 22 बन सकता है, और आपने संख्या यहाँ ज्ञात करने का तरीका क्या कर लिया, चार है, क्लियर। अब आपको इसी तरह से दूसरा नंबर सवाल दे दिया जाए कि आपको 1, 2, 3 और बात पर ध्यान देना, 1, 2, 3 और आपसे कह दिया जाए कि इसमें आपको मात्र दो ही अंक का बनाना है, कै अंक का, दो अंक का बनाना है, तो उस कंडीशन में बोलिए तीन गुना डिजिट, यहाँ पर तीन तरीका और यहाँ भी तीन तरीका, तो बोलो कितना होगा। तो इस आधार समझ गए, तो एक ही बार हम लिख दे रहे हैं कितना हो गया, 9 हो जाएगा ना, आगे तो लिखना है, ऐसा लिख सकते हो नंबर ऑफ टू डिजिट्स। और बात पर ध्यान देना, अभी और आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स बोलो, थ्री मल्टीप्लाई एरी कितना होगा। लेकिन यहीं पर सवाल कर देता कि तीनों से, पहले बात पर ध्यान देना, अब ऐसे आप लोग लिख कर देख सकते हो कि 9 हुआ हो रहा है कि नहीं, बन जाएगा ना, पढ़ाया भी है पहले, आप एक देख लो ताकि तुम्हारा माइंड बढ़ जाए। चलो पहले बताओ 12 हो सकता है, पहले एक से काम कर रहे हैं, 1, 2 आप फिर बोलो 1, 3 ऐसी का उल्टा यहाँ लिख लो, 2, 1 इसका 3 है, हो जाएगा। अब सुनो, अब दो ले काम शुरू करो, तो 2, 3 आज 2, 1 लिखा ही गया है, इसका उल्टा 3, 2 उसका 3, 2 अब चलो 3 ले शुरू करो, तो 3, 1, 1, 3 लिखा ही गया है, लिखा गया है। अब बताओ पुनरावृत्ति है ना, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 गिनो, 9 गो है कि नहीं है, 9 गो है, ये आपका 9 गो है, देखिए बता था कि 9 गो बनेगा, 9 गो बन गया। अब आप लोग हमें ये बताइए, यही वाला सवाल में सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, अब 3 डिजिट है दिया ना, 3 गो 1, 2, 3 को दिया संख्या आपके पास, और तीनों से 3 अंकों वाली संख्या बनाना है, तो आप लोग बोलो क्या करेंगे, क्या करोगे, 1 या 2 या 3 लिख सकते हो, 3 तरीका, इसमें भी 3 तरीका, इसमें भी 3 तरीका, कै गो बनेगा, 27 है ना। तो
तो इस तरह से तीन गुने तीन गुने तीन बोलो आपका 27 गो बना, क्लियर है? अब सुनो, अब बताओ कि यदि चार नंबर तुमको दे दिया जाए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है? अब ध्यान दो, यहाँ एक से लेकर पांच तक दिया है, ध्यान दो, एक से लेकर पांच तक। अब आपसे कह दिया जाए पुनरावृत्ति लाओ, सिद्धांत ना रेडिंग दे दिया है, पुनरावृत्ति है। अब इसमें बताओ कि टू डिजिट लाओ, समझा रहे मेरे के लिए, ध्यान दो, बोलो कि तरह से फाइव और फाइव तरीका होगा, अच्छा पच्चीस। अब बोलो थ्री डिजिट लाओ, कोई कह दे पांच पांच और पांच गुना कर दो 100। अब कोई कह दे कि चार गो डिजिट लाओ बनाओ, क्लियर है बाबू? पांच गुने पांच क्या हो जाएगा, छह सौ पच्चीस। अब कोई कह दे कि पांच अंक वाला संख्या में नहीं बनेगा, कितना आएगा, है क्लियर? अब हमें आप लोग ये बताइए, यदि आपको पहले बात पर ध्यान देना, एन वस्तु दिया हुआ है, क्या गो एन वस्तु दिया हुआ है, और आर वस्तु को निकालकर, आर वस्तु को निकालकर जब क्रमचय बनाया जाएगा, आप पुनरावृत्ति अलाउड है, तो बोलो क्या होगा, देखो ध्यान दो, पहले ध्यान दो, अभी इसलिए कह ध्यान दो, ध्यान नहीं दे रहा ना। यहाँ देखो पांच को था वस्तु, वस्तु मान लो पांच को है, इसमें से आपने दो वस्तु निकाला, तो बस ध्यान देना हम कहना क्या चाह रहे हैं, पुनरावृत्ति इतना किसी ने मैं सब बना लो फटफट, एक सेकंड का आंसर होता है। पांच गुने पांच, पांच के पावर दो, बोलो जब तीन को वस्तु, सुनो पहले तीन को जब वस्तु निकालोगे तो क्या होगा, पांच के पावर तीन, चार वस्तु पांच वस्तु। पहले एक बात ध्यान देना, कभी भी जितना वस्तु दिया रहेगा वो आपका बेस बन जाएगा, क्या बनेगा, बेस, मतलब यहाँ जो टोटल ऊपर जो दिया रहेगा वो तुम्हारा क्या होगा, बेस रहेगा, और इसके पावर में हो जाएगा जय को वस्तु निकालना होगा। देखो यहाँ पर दो दो अंक का बनाना था तो पावर में दो गया, तीन को निकालना था तो पावर में तीन गया, यदि यहाँ पर चार चार अंक वाला बनाना है तो पावर में चार गया, जब पांच वाला बनाना है तो पावर में पांच गया, है क्लियर? अब ध्यान देना अगली बात, देखना ध्यान से, यही तक आना चाहिए, दिख रहा है ना, यहाँ तक आ रहा मेरा हाथ तक, यहाँ तक आ रहा, देखो तुम देखो ना। अब हमें आप लोग ये बताइए, एक बात बताइए, एन वस्तु दिया है और उसमें से आर वस्तु को निकाल करके बनाना तो क्या होगा, एन के पावर आर, क्लियर है? अब देखो एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ, आप समझ गए होंगे, एन ऑब्जेक्ट शुरू किया है, एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और आर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है इसमें से, तो बोलो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस एन टू द पावर, बोलो होगा, अब सुनो, अब छठा नंबर ध्यान देना, अब क्लियर है ना बाबू, इस पर ध्यान दीजिएगा, अपने आप सारा बन जाएगा। अब आप बताइए कि एन ऑब्जेक्ट्स है और एन ऑब्जेक्ट निकालना है, बहुत अच्छा, नंबर ऑफ परमुटेशन, बोलो क्या होगा,
एन टू दी पावर एन ध्यान दो जैसे देखो यहाँ पर यहाँ वाला देखो पांच वो था पांच को निकाला गया एक दो तीन चार पांच तो पांच में पांच ही है तो ये एक नंबर में आते हैं बहुत बार इसीलिए बताना पड़ा क्लियर है अब अपना पूरा विद्यालय इतना सवाल होगा कैसे नल बनाइएगा कल डाउट क्लास चलेगी बाबू।